हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। और आ गया सावन का महीना। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं भी हरी भरी हो जाऊँ तो मैं भी हो गई। देखो फटाफट से हो गई ना। मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाया है बहुत सारा, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला है, और यूट्यूब पे भी। मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ ग्रीन कलर के लुक में। ग्रीन कलर का साड़ी, ग्रीन कलर का चूड़ी, ग्रीन कलर का बिंदी, सारा कुछ ग्रीन। और अभी तो मौसम भी इतना सुहाना है सावन के महीने में कि क्या ही कहना। तो जैसा मौसम और मौसम के अनुसार मैं तो ढल गई हूँ ऊपर से नीचे तक। और फ्रेंड्स, आज मैं लगाने वाली हूँ ग्रीन कलर का नेल पेंट, और मैं अपना फुटवेयर पहनने वाली हूँ ब्लैक कलर का। और आज का लुक आप लोग पूरा देखना, और इसका पार्ट वन वीडियो मैंने डाल दिया है मेकअप ट्यूटोरियल का, जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप मेकअप किया है आप सभी के लिए, और वो वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप लोग मेरा मेकअप लुक देख लो, मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने आज सेकेंड टाइम मैंने अपनी आईज़ को थोड़ा बड़ा दिखाने का कोशिश किया है। इट मीन्स मैंने वाइट कलर का काजल लगाया है, और जिसके कारण कि मेरी जो आईज़ है वो काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही है। यदि आप अपनी आईज़ को छोटा दिखाना चाहते हो तो आप ब्लैक कलर का काजल लगाओ, बड़ी आईज़ दिखाना चाहते हो तो वाइट कलर का काजल लगाओ, जिसके कारण मेरी आईज़ आज बड़ी बड़ी लग रही हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं पहनने वाली हूँ घुंघरुओं वाला पायल, और ये मेरे सब्सक्राइबर ने दिया है। वैसे पता है मैं ये वाला पायल वेयर कर रही थी ना, तो ये मैं पहन ही नहीं पा रही थी, टूट गया पहनते पहनते। और फिर मैं दूसरा वाला पायल पहनी, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था तो फिर मैं इसको भी डाल दी। ये पायल हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसमें पूरा एडी नग दिया हुआ है सिल्वर कलर का, और पूरा राउंड में बहुत सारे घुंघरू हैं। और मुझे ना घुंघरू वाला पायल अच्छा लगता है जो बजता है। बिना घुंघरू का क्या पायल, वो पायल ही क्या जो बजे ही ना। तो मुझे बजने वाला पायल पसंद है, जब चलो तो हमारी पायल की आवाज़ आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घुंघरू वाला पायल। तो मैं वही वेयर कर रही थी, बट ये पहनते पहनते ना टूट गया। मौसम इतना सुहाना हो गया था, जब मैं मेकअप स्टार्ट की थी ना उस टाइम तो इतना गर्मी लग रहा था कि कहना ही नहीं, और लाइट भी कट गया था। मैं गर्मी में ही मेकअप स्टार्ट कर दी कि यदि आज मैं मेकअप नहीं की तो फिर मेरा आज का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो रहती हूँ घर में, कहीं तो जाना है नहीं, तो फिर मेरा तो यही काम है, जो काम है उसको तो करना है बिना लाइट का ही। फिर मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर दिया था। ये देखो मेरा गोल्डन पायल, ये भी मेरे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है। और ये जो भी पायल देख रहे हो ना, ये 400 से नीचे का नहीं है, ये 500 के लगभग तक आ जाएगा, 500-600 तक में। ये दोनों पायल जो आपने देखा, ये भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया है, और जब फुटवेयर दिखाऊंगी वो भी सब्सक्राइबर ने दिया है। चलो, आप सभी का शुक्र है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, मेरे सब्सक्राइबर्स ही इतने अच्छे हैं, उनका सपोर्ट इतना है कि मुझे मिल जाता है। क्योंकि मैं खुद से कभी भी अपना मतलब हील वाला ज़्यादा बड़ा वैसा फुटवेयर कभी ख़रीदती नहीं हूँ, बट मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते थे कि मैं वैसा पहनूँ, तो वो लोग खुद ही मुझे गिफ्ट करने लगे। तो आपकी दुआ से तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी जाऊँगी। बस आप लोग साथ देते रहना आगे भी, जैसे अभी तक देते आए हो। और मैंने अपने हाथों में नेल पेंट लगा लिया एक कोट, आप लोग देख ही रहे हो। और अभी मैं अपना दूसरा पायल भी वेयर कर ले रही हूँ। अभी मेरे पैरों में नेल पेंट नहीं है, मैंने एक दिन पहले ही रिमूव किया था, और पता है मेरे पैरों में थोड़ा थोड़ा पिंकिस पिंकिस टाइप से लग भी रहा होगा, क्योंकि आधा लगाए थे ना तो वो छूटा नहीं था, बहुत मुश्किल से इतना छूटा था, और आधा लगा ही हुआ है। मेरा जितना नेल्स है ना वो भी थोड़ा पिंकिस पिंकिस नज़र आ रहा है, वो सब आलता की वजह से। और ये है नेल पेंट, ये है ब्लू हेवन का नेल पेंट, और ये मैंने ख़रीदा 25 रुपीज़ में। पता है ये वाला नेल पेंट ना पहले मिलता था 20 रुपीज़ में, और मैंने ख़रीदा 25 में। नेल पेंट काफ़ी थिन है, इसको मैं अपनी लॉन्ग नेल्स पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरी लॉन्ग नेल्स जो मेरी फैंस को पसंद है, वैसे बहुतों को पसंद नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरे फैंस को क्या पसंद है, तो मैं तो अपने लंबे लंबे नाखून रखूँगी ही ना।
अपने फैंस के लिए, मुझे किसी की क्या पड़ी, मुझे पसंद है, मेरे फैंस को पसंद है, बस और क्या चाहिए। बाकी तो वैसे जितने लोग देखते हैं वो लोग बोलते हैं नेल्स अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी लंबा हो गया है, बट मुझे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का पर्सनल नेल पेंट, बट पता है इस पर लिखा हुआ प्राइस 40 रुपीज़। वो OMG इतना दाम बढ़ गया, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। पता है जब आदत हो जाता ना महंगा महंगा नेल पेंट लगाने का, तो फिर ये सब 20-30 रुपए वाला नेल पेंट लगाने में मज़ा नहीं आता है, और वही हाल मेरे साथ भी हो गया है। अब सस्ता नेल पेंट 20-30 रुपए वाला तो लगाते हैं ना, तो एकदम इतना थिन है कि क्या कहना। ब्लू हेवन का ये नेल पेंट है पहले अच्छा देता था, बट अब मुझे ये पसंद नहीं है, और फिर भी लगा ले रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट गई थी ना तो ग्रीन कलर का यही निकाल के दे दिया, तो मैं भी ले ली कि ग्रीन है कुछ दिन तक लगाऊंगी। फिर वैसे भी मैं नेल पेंट तो हमेशा चेंज करते रहती हूँ ना, आप लोगों को तो पता ही है कि कितना चेंज करती हूँ मैं, हमेशा छुड़ाओ हमेशा लगाओ, और मेरा तो जल्दी छूटता भी नहीं है। पर ये वाला जो नेल पेंट है ना काम करने से छूट जा रहा था जल्दी जल्दी, ये काफ़ी थिन है, पहले नहीं छूटता था। पैर वाला नेल पेंट तो मेरा नहीं छूटा, बहुत दिन तक चला, मतलब 1 वीक से ज़्यादा, बट हाथों में तो जल्दी छूट गया काम ये सब करने से। और जैसे नायका ये सब का नेल पेंट है तो ये सब जब लगाते हैं ना तो वो सब जल्दी नहीं छूटता है, वो सब चलता है बहुत दिनों तक, तो मुझे वैसा ही नेल पेंट पसंद है। वो सब काफ़ी थिक भी है, वो सब जल्दी सूखता भी नहीं है, यदि मैं लगाऊँ ना तो उसको 1-2 घंटे क्या पूरा दिन भी कम पड़ जाए सूखने के लिए नेल पेंट। पर जब मैं ये वाला नेल पेंट लगाई हूँ ब्लू हेवन का तो फटाफट से सूख गया, मतलब लगाते के साथ सूख भी जा रहा था, एक दूसरी उंगली में टच भी हो रहा था तो मतलब लग नहीं रहा था नेल पेंट, वो पूरा अच्छे से ड्राई हो जा रहा था नेल पेंट। अच्छा ही है, काम चलाऊ काम चलाऊ नेल पेंट है ये। मैं तो 5 में से 3 नंबर दूंगी ये नेल पेंट को, मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट क्या करें सावन का महीने बस हरा हरा लगाना है और कुछ नहीं। आप लोग तो देख ही रहे हो ऊपर से नीचे तक हरी भरी हो गई हूँ मैं, जैसा मौसम वैसा मैं मैंने बिछिया ये सब चेंज नहीं किया, क्या करूँ बिछिया चेंज ये निकलता ही नहीं है, मम्मी ने ऐसा पहनाया मुझे मेरे पैरों में ये बिछिया कि ये निकल ही नहीं रहा है, अभी मेरे पैरों में तब तक रहेगी जब तक ये टूट ना जाए खुद से, तब तक मैं इसको पहने रहूँगी, मेरी मम्मी ने खुद से पहनाया है। और पता है बड़ा बड़ा नेल्स में नेल पेंट लगाने में तो डर भी लगता है कहीं नेल पेंट कम ना पड़ जाए ऐसा ही होता है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बड़ा बड़ा नेल्स में नेल पेंट लगाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगाओ फिर सुखाओ उसको, पर छोटा छोटा नेल्स रहेगा ना तो तुरंत 5 मिनट में लग जाए, 5 मिनट से कम टाइम ही लगेगा, बट लंबा नेल्स है ना तो बहुत टाइम लग जाता है नेल पेंट लगाने में। मैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दी हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, नहीं तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे देखते देखते। वैसे मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे थे मेरी इस वीडियो का, सोलो आ गई है, मेरे पास ग्रीन कलर की बहुत सारी साड़ी हो गई, सावन का महीना था तो मैंने सोचा कि ग्रीन साड़ी में लुक क्रिएट करना चाहिए मुझे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हर महिलाएं अच्छे से सोलह श्रृंगार करती हैं, मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं पूरा सावन, और इस बार तो 2 महीने का सावन है तो बहुत ही अच्छे से 2 महीने सब कोई अच्छे से तैयार होकर के मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, बहुत कोई धाम भी जाते हैं घूमने, और अभी घूमने का मौसम भी है क्योंकि अभी ना मौसम भी बहुत अच्छा सुनहरा मौसम है, कभी बारिश कभी अच्छा हवा चलता है, चारों तरफ हरा भरा है, हरियाली देख के ही मन हरा भरा हो जाता है। और वैसे भी मैंने साड़ी भी पहन ली मैंने हरी भरी साड़ी भी पहन ली है, चूड़ी भी मैंने पहन लिया है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी साड़ी में वर्क किया हुआ है गोल्डन, तो मैंने गोल्डन कलर का इयररिंग पहन लिया, मेरे पास ग्रीन कलर का इयररिंग नहीं था तो फिर मैं गोल्डन कलर का पहन ली,
इयररिंग, और मैंने पायल भी गोल्डन कलर का ही पहना, सिल्वर वाला मैंने नहीं पहना। मैं पहनी हुई थी उसको खोल दी, क्योंकि हमेशा हर वीडियो में मैं सिल्वर पायल तो नहीं पहन सकती हूँ ना, तो फिर मैंने गोल्डन पायल पहन लिया। मेरे सब्सक्राइबर नहीं दिया है, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएंगे, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। देखो मेरे ऊपर से नीचे तक का लुक कैसा लग रहा है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। नेल पेंट लग चुका है और फिलहाल तो मैं उसको सुखाऊंगी, और मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रहा था तो ये जल्दी सूख ही गया था। बस ये नेल पेंट थिन था, मैंने डबल कोट लगाया, डबल कोट लगाते हुए दिखाऊंगी। ये साड़ी वैसे बहुत कोई को पसंद आया, सबने बोला, सबने तारीफ किया इस साड़ी का, साड़ी के कलर का। जब मैं ये वैसे ये साड़ी सब कोई तारीफ किया, आप लोग भी तारीफ़ कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं सारा कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप लोग कमेंट्स किए भी ना कहीं भी मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे ना एक जो अंगूठा के बगल वाला नेल से वो थोड़ा मुड़ गया, तो आप लोग भी सोच रहे हो कि लंबा नाखून होने की वजह से ये मुड़ गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उस पर पता है बड़ा वाला जो माजा का बोतल आता है ना, बहुत बड़ा वाला, वो गिर गया था मेरे पैर पे, उसके कारण वो नेल्स वैसे हो गया है। मुझे कट करना है बट थोड़ा सा मैं देख ले रही हूँ, सावन को गुजरने से दे रही हूँ छोटा नाखून तो सबको देखे ही है। बहुत अफसोस होता है जब ये सारे लंबे नाखूनों को काटना पड़ता है ना, बहुत अफसोस होता है, पर क्या करें, बोतल गिर गया था उस नाखून पे, तो वो नाखून थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं तो बाकी सारा तो ठीक ही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लंबा नाखून, थोड़ा डेंजर तो है, तो क्या करिएगा, जहाँ खूबसूरती है वहाँ थोड़ा सा सेफ्टी के लिए रखना भी पड़ता है खूबसूरती के साथ साथ उसका प्रोटेक्शन भी तो हो रहा है ना, खूबसूरत पैरों की रक्षा करेगा ये खूबसूरत से लंबे नेल्स मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बोलते हैं छोटा नेल्स कर लो अच्छा लगेगा, कुछ 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 बोलते हैं नहीं मुझे तो लंबे नेल्स ही पसंद है। अब क्या करूँ, किसकी बात मानूँ, मैं खुद की बात सुन रही हूँ, मुझे लंबे नेल्स पसंद हैं इसलिए मैं रखी हूँ, काट दूँगी, थोड़ा वेट कर ले रही हूँ, खुद टूटेगा या मुझे काटना पड़ेगा। सारा कुछ मैचिंग मेरा हो गया, और मुझे तो शुरू से ही याद थे कि हर चीज़ मैचिंग करके पहनती हूँ, चूड़ी बिंदिया नेल पेंट साड़ी पायल कान का सारा कुछ। ये देखो ये फुटवियर, ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे दिया है, मेरे पास किस चीज़ की कमी है सब मेरे सब्सक्राइबर्स दे देते हैं, ड्रेस भी देते हैं, ज्वेलरी भी देते हैं, फुटवियर्स भी देते हैं, और फुट केयर सारा कुछ मिल ही जाता है और बाकी चीज़ मैं खुद से भी खरीद लेती हूँ, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगने की आदत नहीं, अपने पैसे से कर लेती हूँ। मेरे पैर वाकई में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, मतलब क्या होता है ना कि जो रियलिटी होता है वो कैमरे में कैद हम नहीं कर सकते। मेरा मोबाइल तो वैसे भी यार छोटा सा है, आईफोन तो है नहीं कि पूरा क्लियरिटी दिखेगा, पूरा अच्छे से पता चलेगा, जो रियल है वो पता नहीं चलता कैमरे में, क्योंकि ये तो हर किसी का मोबाइल पे भी डिपेंड करता है ना कि किसका कैसा मोबाइल है, तो रियल में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे मेरे पैर, सब कुछ हरा हरा बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ऐसे में बारिश हो और चारों तरफ हरा भरा। वैसे तो मैं कभी भी अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, कभी नहीं निकलती हूँ, निकलती हूँ तो वो वीडियो तो मैं डालती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ तो आप लोगों को पता चल ही जाता होगा कि आज मैं कहीं गई हूँ, वैसे मैं कभी नहीं जाती हूँ, नहीं तो ऐसे हमेशा घर में रहना पड़ता है। ये देखो मेरा फुल लुक मेरा फुल साड़ी वाला लुक, कैमरे में उतने अच्छे से पता नहीं चल रहा बट रियल में ये साड़ी का कलर काफ़ी अच्छा है, मैं भी बहुत अच्छी लग रही थी, खुद से तारीफ कर ले रही हूँ, आप लोग भी कर देना, आप लोग क्यों हो मेरी तारीफ ही करने के लिए हो ना। हाँ जो लोग गलते हैं वो लोग बुराई भी कर सकते हैं, कर देना कोई बात नहीं, सब एक्सेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, आप लोगों का प्यार बना रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही जल्द, फॉलो माई इंस्टाग्राम आईडी, बाय बाय।